हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा पैरेलल एल्गोरिथम की, जो कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम का पार्ट है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक मॉडल जो हम अपने घरों में लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द रैम मॉडल, उसके बारे में पहले डिस्कशन करूँगा। देन आई विल गो थ्रू विद द पैरेलल एल्गोरिथम। इस पैरेलल एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम समझेंगे। आफ्टरवर्ड्स हम इस पैरेलल एल्गोरिथम की दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्रामिंग और फिजिकल, दोनों कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रीफली समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट होती है। एंड इस पैरेलल एल्गोरिथम के लिए एक मॉडल डिज़ाइन किया गया है डिज़ाइनर्स के द्वारा, जो कि पी रैम मॉडल कहलाता है। इस पी रैम मॉडल को कुछ प्रॉब्लम्स लेकर और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैम मॉडल फर्स्ट। जो पीसी हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो रैम मॉडल पे बेस्ड है। इस प्रकार का जो लैपटॉप या पीसी है वो सिक्वेंशियल कंप्यूटर कहलाता है। सिक्वेंशियल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जिसमें केवल एक प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर की अपनी एक लोकल मेमोरी होती है। इस मेमोरी की में कुछ अनबाउंडेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, एनी नंबर ऑफ सेल्स कैन बी देयर इन अ मेमोरी। हर एक मेमोरी सेल अपने आप में कुछ डेटा यानी कुछ इनपुट वैल्यू को स्टोर करती है, और कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेशन हो गया। इस प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और हर एक इंडिविजुअल ऑपरेशन यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम यू नो इन्वेस्ट करता है किसी एक सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस प्रकार अगर हम उस रैंडम एक्सेस मशीन की बात करें जिसमें एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, और उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के पश्चात ही कोई दूसरा एग्जीक्यूशन कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए आता है, इस प्रकार के कंप्यूटर को हम सिक्वेंशियल कंप्यूटर कहते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जितने एग्जीक्यूट हुए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम में, उससे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है। एंड इस प्रकार के पीसी की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, किसी दिए गए प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी सेल एक्सेस हुई उसके बेस पे डिसाइड होती है। तो ये अपना एक बेसिक मॉडल होता है जो हम अपन अपने घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर इस पीसी के लिए अगर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँ और मैं मानूँ कि सपोज दैट हमारे पास में कोई एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को हमने टास्क दे रखी है कि भाई तुमको 100 नंबर्स को ऐड करना है, तो अगर वो 100 नंबर्स को ऐड करेगा और मैं इसको उस व्यक्ति के पास में एक कंडीशन है कि उसको एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि रैम मॉडल परफॉर्म करता है, तो दैट्स वाई वो पहले दो किन्हीं दो वैल्यूज़ को पिक करेगा, उन दो वैल्यूज़ को ऐड करेगा, फिर उस वैल्यू को अगली वैल्यू से ऐड करेगा। इस प्रकार अगर 100 नंबर्स को उसे ऐड करना है तो 99 यूनिट ऑफ टाइम ही विल स्पेंड टू ऐड ऑल 100 नंबर्स। ये टास्क थी रैम मॉडल की। इट मीन्स अगर रैम मॉडल को 100 नंबर्स को ऐड करना है तो 99 यूनिट टाइम लगेगा। 99 यूनिट को मैंने इस तरीके से कंसीडर किया कि अगर मैं मानता हूँ कि किन्हीं दो एलिमेंट को ऐड करने में यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, तो उसको 100 नंबर्स को ऐड करने के लिए 99 टाइम्स वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसलिए 99 यूनिट टाइम लगेगा। बजाय इसके कि क्यों ना हम कोई दो व्यक्ति ले लें और किसी एक व्यक्ति के काम होगा कि फर्स्ट 50 नंबर को ऐड करे, दूसरे व्यक्ति का काम है कि भाई नेक्स्ट 50 नंबर्स को ऐड करे, और फाइनली जो एडिशन है लास्ट में उन दोनों एडिशन को आपस में ऐड कर दें। तो इस तरीके से जो टाइम लगेगा इन 100 नंबर्स को ऐड करने पर दो आदमियों को लेने पर, वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम लगेगा, यानी कि परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें किन्हीं दो आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, एक आदमी से काम नहीं चलेगा। इसी कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा पैरेलल एल्गोरिथम। पैरेलल एल्गोरिथम इस प्रकार की एल्गोरिथम होती है जो जिसका वो लिखी ही इस प्रकार के एग्जीक्यूशन के लिए जाती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाए। इट मीन्स अगर किसी एक प्रॉब्लम को दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स का यूज़ करके हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो कम से कम होगा, इफ़िशियंसी हमारी इंक्रीज करेगी। इस प्रकार का जो सिस्टम होगा जो पैरेलल एल्गोरिथम पे काम करेगा, उसकी जो प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इस प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं। लेट सपोज दैट हमारे पास में कोई एक प्रॉब्लम क्यू है, और उस क्यू को अगर हम सिक्वेंशियल एल्गोरिथम का यूज़ करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने माना कि उसमें जो सिक्वेंशियल एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में जो टोटल टाइम आ रहा है वो एस ऑफ एन आ रहा है, जहाँ पे एन जो है वो इस प्रॉब्लम क्यू की साइज़ है। यानी कि आप इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हो कि n इज़ नथिंग बट दी नंबर ऑफ एलिमेंट जिन्हें हमें प्रोसेस करना है, और उस n नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रोसेस करने में लगा समय सिक्वेंशियल एल्गोरिथम को यूज़ करने पर लगा समय है s ऑफ n। इसी प्रकार अगर हम
उस प्रॉब्लम साइज एन के लिए अगर हम पैरेलल एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो चूंकि पैरेलल एल्गोरिथम लिखी किसके लिए जाती है, उसमें यू नो मोर देन टू प्रोसेसर, टू और मोर देन टू प्रोसेसर्स यूज़ किए सकते हैं। तो लेट सपोज दैट उस प्रॉब्लम के लिए पी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे पास में हैं, तो उसको रन करने में लगा समय कितना होगा, टी ऑफ एन कॉमा पी, जहाँ पे एन क्या है प्रॉब्लम साइज और पी हमारी नंबर ऑफ प्रोसेसर है उस प्रॉब्लम साइज को एग्जीक्यूट करने में के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल टाइम लगा टी ऑफ एन कॉमा पी। तो इस प्रकार जो हमारी स्पीड हुई पैरेलल एल्गोरिथम की, वो किससे कैलकुलेट होगी, एस ऑफ एन डिवाइड बाई टी ऑफ एन कॉमा पी। तो अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या था, 100 नंबर्स थे जिन्हें ऐड करना था। तो 100 नंबर्स को अगर हम सिक्वेंशियल एल्गोरिथम से प्रोसीड करते तो हमको कितना समय लगता, एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू 100, मतलब 99 यूनिट टाइम लगेगा। मैं इसको राउंड फिगर में 100 मान लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो दैट्स वाई 100 नंबर्स को ऐड करने में टाइम लगा 100 यूनिट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पे दो प्रोसेसर हमने ले लिया, तो दो प्रोसेसर में कितना टाइम लगेगा, ईच प्रोसेसर को टोटल टाइम लगेगा 50 यूनिट ऑफ टाइम, अगर उसको 100 नंबर को ऐड करना है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ पैरेलल एल्गोरिथम, तो पैरेलल एल्गोरिथम की स्पीड हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 50, दैट इज़ इक्वल्स टू 2। यानी कि जो स्पीड है पैरेलल एल्गोरिथम की वो है 2 प्रोसेस इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, जबकि रैम मॉडल में क्या था, 1 प्रोसेस इन यूनिट ऑफ टाइम और 2 प्रोसेसर ऐड करने पे 2 प्रोसेस यूनिट ऑफ टाइम। सो दैट्स वे जो पैरेलल एल्गोरिथम की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि पैरेलल एल्गोरिथम की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमने ऐड किए हुए हैं। इसकी अब फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए, तो हमने देखा कि जो प्रोसेसर है और जो मेमोरी है, ये 2 डिवाइस हो गई। तो प्रोसेसर डेटा कहाँ से लेता है, मेमोरी से। प्रोसेसर डेटा से जो मेमोरी लेता है उसके लिए एक डिवाइस का यूज़ करता है जिसको हम स्विचेस कहते हैं, और जो स्विच की कैपेबिलिटी होती है वो सिंगल वर्ड को प्रोसेस करती है। उसकी कैपेबिलिटी बस इतनी है कि वो एक बार में एक ही वर्ड को प्रोसेस कर सकता है, यानी स्विचेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है। अब अगर स्विच एक बार में एक ही वर्ड को प्रोसेस कर सकता है और एम नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास में हैं, तो डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो स्विच की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई बिग ओ ऑफ एम इंटू पी, वेयर एम इज़ अ नथिंग बट द नंबर ऑफ वर्ड्स और पी इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोसेसर जो एम नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब इस तरीके से जितने नंबर ऑफ वर्ड इंक्रीज़ करेंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके प्रोसेसर्स भी इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो ये थोड़ा सा रियलाइजेबल नहीं लगता है पी रैम मॉडल पे। खैर, अभी ये पी रैम मॉडल क्या है इसको अभी अपन बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दी पैरेलल एल्गोरिथम। तो पैरेलल एल्गोरिथम कैन रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर आल्सो, एक सिंगल प्रोसेसर में भी रन कर सकता है। अगर आप कहें कि नहीं भाई उसके लिए मोर देन 1 प्रोसेसर यूज़ किए जाएंगे ही क्या केवल, नहीं, सिंगल प्रोसेसर में भी यूज़ कर सकता है। बस हमें यहाँ क्या करना है कि एक सिंगल प्रोसेस को मल्टीपल सॉरी एक सिंगल प्रोग्राम को मल्टीपल प्रोसेस में ब्रेक हो जाती है और एक सिंगल प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स में ब्रेक हो जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ ये यू नो फंक्शनल यूनिट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें हमें मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स चाहिए, पाइपलाइन फंक्शनल यूनिट्स चाहिए, पाइपलाइन मेमोरी सिस्टम चाहिए। तो अगर हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली हम एक सिंगल पीसी में भी, सिंगल प्रोसेसर में भी हम यू नो पैरेलल एल्गोरिथम को रन कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन मॉडल द एल्गोरिथम? तो इस प्रकार की पैरेलल एल्गोरिथम को मॉडल करने के लिए डिजाइनर ने जो ध्यान दिया वो ध्यान दिया कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे। अब कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगी, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर आप यूज़ करोगे डेफिनेटली उतनी ही कॉस्ट बढ़ती जाएगी कम्युनिकेशन की, और जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर आप इंक्रीज़ करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी इफ़िशियंसी आएगी। तो दैट्स वाई डिज़ाइनर ने एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम दिया पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन, जिसको हम शॉर्ट में पी रैम भी कहते हैं। इस पी रैम का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है। इस आर्किटेक्चर में एक ग्लोबल मेमोरी होती है जिसको हम शेयर्ड मेमोरी कहते हैं। ये ग्लोबल मेमोरी मल्टीपल प्रोसेसर्स एम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के बीच में शेयर्ड होती है, जिसमें सारे प्रोसेसर यू नो जब भी अपना डेटा या तो उनको एक्सेस करना हो या तो स्टोर करना हो तो वो इसी ग्लोबल मेमोरी में करेंगे। इस ग्लोबल मेमोरी में मल्टीपल सेल्स होते हैं जो अनबाउंडेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। इट मीन्स उनकी कोई लिमिटेशन नहीं कि कितनी सेल होंगी, उसके बारे में हम ब्रीफली थोड़ी देर में बात करते हैं। इन प्रोसेसर्स का काम होता है
एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। इंस्ट्रक्शन कैन बी एनीथिंग लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, कंपैरिजन ऑपरेशन, मेमोरी एक्सेस, असाइनमेंट एसेट्रा। सो हियर नंबर ऑफ प्रोसेसर, सब लेट सपोज दैट पी नंबर ऑफ प्रोसेसर है और एम नंबर ऑफ ग्लोबल मेमोरी। एम नंबर ऑफ ग्लोबल मेमोरी क्या, मेमोरी तो एक ही है शेयर्ड मेमोरी, लेकिन जो उसमें सेल्स हैं वो सेल्स की जो संख्या है वो एम नंबर है। अब ये जो एम और पी का रेशियो है, इट कैन बी आइदर एम इक्वल्स टू पी, यानी कि जितने प्रोसेसर हैं उतनी नंबर ऑफ सेल्स हों ग्लोबल मेमोरी में, या फिर हो सकता है कि एम इज़ ग्रेटर देन पी, यानी कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ प्रोसेसर से। ये भी हो सकता है कि ये एम इज़ लेस देन पी, इट मीन्स जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ग्लोबल मेमोरी में उनकी संख्या नंबर ऑफ प्रोसेसर से कम हो। कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स हैं उनकी संख्या नंबर ऑफ प्रोसेसर के इक्वल है। अब चूंकि अगर हम इन मेमोरी सेल्स की बात करें तो इनका काम केवल और केवल इनपुट को ही स्टोर करना नहीं है, इनका काम क्या है, आउटपुट को भी स्टोर करना है। इसके अलावा इनका काम क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी स्टोर करना है। तो कई बार हमारी जो अगर हम इस साइज़ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ साइज़ तो हमारी आउटपुट स्टोर करने के लिए, कुछ हमारे इनपुट के लिए और कुछ हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो प्रोसेसर है उनकी एक्सेसिंग प्रोसेस के दौरान कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी दिए गए समय में किसी एक मेमोरी लोकेशन को एक से अधिक प्रोसेसर या तो एक्सेस कर रहे हों या तो उसमें अपना डेटा स्टोर कर रहे हों। तो दैट्स वाई रीड और राइट ऑपरेशन के दौरान अगर एक ही सिंगल मेमोरी लोकेशन के लिए मोर देन वन प्रोसेसर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑकर आ गया तो हम इससे कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन में। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर किस प्रकार के ऑपरेशन इस मेमोरी पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कुछ ये फॉलोइंग ऑपरेशंस हैं दैट वी कैन परफॉर्म इन मेमोरी। पहला ऑपरेशन है एक्सक्लूसिव रीड। एक्सक्लूसिव रीड का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं उनके लिए उतनी ही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेमोरी लोकेशन है, यानी कि जब भी कोई एक प्रोसेसर मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको जो मेमोरी लोकेशन दी जाएगी उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उस मेमोरी लोकेशन को कोई दूसरा प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकेगा, ना ही उसको परमिशन मिलेगी। तो इस प्रकार दैट कंडीशन इज नोन एज द एक्सक्लूसिव रीड कंडीशन। तो इस कंडीशन में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑकर होगा ही नहीं। दूसरा है कंकरेंट रीड। कंकरेंट रीड में क्या होता है, गिवन मोमेंट ऑफ टाइम किसी एक मेमोरी लोकेशन को एक से अधिक प्रोसेसर एक्सेस कर रहे हों और ऐसी सिचुएशन में जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो नंबर ऑफ प्रोसेसर से कम हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑकर हो सकता है। लेकिन कंकरेंट रीड, चूंकि दोनों ही दो प्रोसेसर मेमोरी को रीड करना चाहते हैं, तो रीड करने के दौरान अगर उस मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा है तो दो अलग अलग हों चाहे दो से अधिक प्रोसेसर उसको रीड करना चाहें, तो आई डोंट थिंक सो कोई इशू क्रिएट होगा, क्योंकि सब के सब केवल रीड ही करना चाहते हैं। इशू जो क्रिएट होता है वो राइटिंग के दौरान होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑपरेशन, कंकरेंट रीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं उतनी ही नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन है, तो हर एक प्रोसेसर को इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन मिलेगी अपने डेटा को राइट करने के लिए, तो इट्स गुड। सो पी नंबर ऑफ प्रोसेसर कैन साइमल्टेनियसली राइट द कंटेंट ऑफ पी डिस्टिंक्ट मेमोरी लोकेशन, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम बात करें कंकरेंट राइट की, कंकरेंट राइट में होता है कि जो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर से कम है, तो एक गिवन मोमेंट ऑफ टाइम में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि किसी एक मेमोरी लोकेशन को एक से अधिक प्रोसेसर ट्राई कर रहे हों उस मेमोरी लोकेशन में अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हो सकता है कि दो प्रोसेसर हैं और एक मेमोरी लोकेशन है और दोनों ही प्रोसेसर के पास एक जैसा डेटा हो, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि दोनों के पास अलग अलग डेटा हो, तब दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कंकरेंट राइट ऑपरेशन को थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट किया गया है, जो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेमोरी ऑपरेशन, एक्सेस ऑपरेशन, कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं पी रैम के अंदर। तो पी रैम जो हमने बात की उसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल रैंडम एक्सेस मॉडल। इसके अंदर तीन अलग अलग टाइप के सब मॉडल्स होते हैं। पहले मॉडल का नाम है एक्सक्लूसिव रीड, एक्सक्लूसिव राइट। इट मींस नो टू प्रोसेसर्स आर अलाउड टू रीड और राइट द सेम शेयर्ड मेमोरी सेल।
यानी कि हर एक प्रोसेसर के लिए इंडिविजुअल उसके लिए एक मेमोरी सेल होगी। तो दैट्स वाई रीड करे चाहे वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे, दोनों ही टाइम पे कोई यू नो कोलिजन होकर नहीं होगा। नेक्स्ट है कंकरेंट रीड एंड एक्सक्लूसिव राइट। तो दैट्स वाई रीड करने के लिए हो सकता है मोर देन वन प्रोसेसर एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करें, लेकिन राइटिंग के दौरान उनके पास में सबके लिए इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन होगी। तो चूंकि रीडिंग ऑपरेशन में कोई इशू नहीं जाता है क्योंकि सारे के सारे प्रोसेसर एक ही टाइप का डेटा एक्सेस कर सकते हैं रीड ऑपरेशन के लिए। हाँ, लेकिन अगर दिक्कत जाती है राइटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर राइटिंग के दौरान हर एक प्रोसेसर के पास में उसकी इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन होगी। नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप का है कॉन्करेंट रीड एंड कॉन्करेंट राइट, CRCW हम इसे कहते हैं। कॉन्करेंट रीड वही कंडीशन है कि हर एक यू नो इट मे बी पॉसिबल फॉर अ गिवन मेमोरी लोकेशन मोर देन टू प्रोसेसर्स कैन परफॉर्म द रिक्वेस्ट टू रीड द डेटा। अब रीडिंग में तो ठीक है कि अगर किसी एक मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा एक्स स्टोर है तो जितने भी प्रोसेसर हैं सभी उसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। बट हियर इट ऑल्सो परफॉर्म द कंकरेंट राइट। कंकरेंट राइट का मतलब मैंने पहले डिस्कशन किया था कि जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो नंबर ऑफ प्रोसेसर से कम होती हैं। तो एट गिवन मोमेंट ऑफ टाइम इट इज़ पॉसिबल कि किसी एक मेमोरी लोकेशन में एक से अधिक प्रोसेसर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन से डील करने के लिए CRCW को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, उसके टाइप्स एक्सटेंड किए गए हैं। उन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो जो टाइप है वो है डिटेक्टिंग, जिसको हम CRCW और डैश डी भी कहते हैं। इसमें एक स्पेशल कोड होता है जो कोलिजन को डिटेक्ट करता है। तो दो कंडीशन है, या तो ऐसी कोलिजन ऑकर ही नहीं होगा, नहीं ऑकर होगा तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है हो जाएगा। लेकिन अगर कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है तो कोलिजन डिटेक्ट किस लिए हुआ होगा कि डेफिनेटली एक गिवन मेमोरी लोकेशन में मोर देन वन प्रोसेसर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए या राइट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस कोलिजन से यू नो डील करने के लिए ये चार टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। पहला होता है कॉमन, कॉमन को अपन CRCW C भी कहते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है, हम ये मान के चलते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर किन्हीं मोर देन वन प्रोसेसर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटा को राइट करने के लिए और सारा सभी प्रोसेसर के पास एक ही डेटा है स्टोर करने के लिए, तो उस डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा क्योंकि सारे प्रोसेसर के पास कॉमन डेटा है, इसलिए उसको राइट किया जा सकता है। दूसरी बात आती है रैंडम की। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि सारे प्रोसेसर्स के पास में अलग अलग डेटा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी रैंडम डेटा, कोई भी रैंडम प्रोसेसर को यू नो चूज़ किया जाता है, उस रैंडम प्रोसेसर को जिसको चूज़ किया गया है उसके डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। इसको CRCW कहते हैं और दूसरे शब्दों में आर्बिट्री राइट सब मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी मॉडल। प्रायोरिटी मॉडल में ये देखा जाता है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। सपोज दैट अगर मोर देन वन प्रोसेसर हैं और दोनों ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटा को राइट करने के लिए, तो किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो ये माना जाता है जो पहले आया हुआ है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो जिसका लोएस्ट इंडेक्स होता है उसको पहले परमिशन दी जाती है डेटा को राइट करने के लिए। इस प्रकार के कंकरेंट रीड कंकरेंट राइट को CRCW को हम CRCW P भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। अब ये तो समटाइम्स जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि भाई जो पहले आया उसको लिख दिया अपन ने, या फिर समटाइम्स रैंडम पिक किया, तो एक बेस्ट ऑप्शन आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे अर्थमेटिक सम हो गया, लॉजिकल एंड हो गया, एक्सॉर हो गया, तो हम डेटा में ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार ये रिडक्शन जो है वो तीन टाइप के हो गए, CRCWS, CRCWA, CRCWX। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक लिंक लिस्ट है जिसकी साइज n है। इट मीन्स हमारी लिंक लिस्ट में कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड हैं। अब एम क्या है हमारा, यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि हमें हर एक एलिमेंट के लिए उसकी डिस्टेंस कंप्यूट करनी है लास्ट के एलिमेंट से। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ, हमारी लिंक लिस्ट 5 एलिमेंट की है, तो पहला जो नोड होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी डिस्टेंस क्या होगी लास्ट एलिमेंट से, 5वीं होगी। जो दूसरा एलिमेंट होगी उसकी 4थी होगी। इसी प्रकार से अगर मैं लास्ट से काउंट करूं तो लास्ट एलिमेंट की लास्ट से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फर्स्ट होगी, देन उसके प्रीवियस की सेकेंड होगी, देन उसके प्रीवियस की थर्ड होगी। इस प्रकार अगर 5 नोड हैं तो डेफिनेटली जो सबसे पहला नोड है उसकी जो पोजीशन है लास्ट एलिमेंट से वो 5वीं होगी। अगर मैं इस टास्क को परफॉर्म करना चाहूँ
तो आप अगर देखो कि अगर हम सिक्वेंशियल मशीन का यूज़ करते, रैम मॉडल का यूज़ करते, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती। इस काम को करने के लिए हमें हर एक नोड को इंडिविजुअली चूज़ करना पड़ता, फिर हम उस नोड से ट्रेवर्स करते कहाँ तक, अंत तक, जब तक हमारे नोड की जो लिंक पार्ट है नल ना हो जाए तब तक हम ट्रेवर्सिंग करते, और इस ट्रेवर्सिंग के दौरान जितने नोड बीच में गुजरते हम उसकी वैल्यू को ऐड करते जाते। यही सेम प्रक्रिया हर एक नोड के लिए दोहराई जाती, तब जाके हमें हर नोड की जो डिस्टेंस है फ्रॉम लास्ट इंड नोड से वो हम कैलकुलेट कर पाते। इस प्रकार के सिक्वेंशियल ऑपरेशन में जितने नंबर ऑफ नोड थे हमने हर नंबर ऑफ नोड का उसके एंड पॉइंट तक जाकर ट्रैवर्स करके हमने उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की। इसलिए अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि एन नंबर ऑफ नोड अगर प्रेजेंट थे तो इस सिक्वेंशियल एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होगी। तो हमने इसके लिए छोटी सी एल्गोरिथम लिखी हुई है कि इनिशियली किसी नोड की डिस्टेंस जीरो है, अब अगर उसका नेक्स्ट पार्ट नल है इट मीन्स वो तो भाई वो है ही नहीं है, वहाँ पे नोड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या किया, अगले नोड की जो वैल्यू है जो है उसको ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से हम अंत तक तब तक चलते जाएंगे जब तक कि हमें नेक्स्ट नल ना मिल जाए, और हम ये जो ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने के बाद में फाइनली हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा कि भाई हम किसी गिवन नंबर ऑफ किसी नोड से कितने नंबर ऑफ पोजिशन को बढ़ते हुए हम नल पोजिशन पर पहुँचें, वही उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। इस प्रकार ये ऑपरेशन हर एक नोड के लिए करने से हमारे पास में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई क्या हुआ, आई बिग ओ ऑफ एन आई। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक नोड की ट्रेवर्सिंग करने पे हमको यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, तो इस प्रकार हर नोड की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हर नोड, अगर हमने बात की एन नंबर ऑफ नोड हैं तो दैट्स वाई एन यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। इसलिए हमने कहा कि सिक्वेंसियल एल्गोरिथम में बिग ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। क्यों ना हम पी रैम मॉडल यूज़ करें, और हम देखेंगे कि हम पी रैम मॉडल का यूज़ करके हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ ऑफ लॉग एन में कन्वर्ट कर देंगे। आप सभी जानते होंगे कि जो एन की वैल्यू है वो लॉग एन की वैल्यू से बड़ी होती है, तो दैट्स वे अगर हम इस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लॉग एन में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट मीन्स हमारी जो पैरेलल एल्गोरिथम है जो कि पी रैम मॉडल से भी यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है वो बेटर एल्गोरिथम है। तो चलिए इसको करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। तो हमने क्या किया कि हर एक जो एलिमेंट हो उसके साथ में एक प्रोसेसर ऐड कर दिया, हर एक एलिमेंट के साथ में। अब क्या काम हो रहा है कि जितनी बार भी इटरेशन हो रहा है, जितनी बार भी हम ईच इटरेशन स्प्लिट दी लिस्ट, हमने क्या किया कि पूरी लिस्ट को दो भागों में तोड़ दिया। तो एक लिस्ट में क्या आ गए, जितने इवन नंबर ऑफ पोजीशन वाले नोड थे, और दूसरी लिस्ट में ऑड नंबर पोजीशन वाले नोड आ गए। इस प्रकार से हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो चूंकि जब हमने लिस्ट को ब्रेक कर दिया, और हम सभी जानते हैं अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट को आप ब्रेक करके एन बाई टू एलिमेंट में ब्रेक कर देते हो और ओनली एन बाई टू एलिमेंट को प्रोसीड करते हो तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन आती है। तो इस प्रकार से जो हमने लिस्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया तो वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ लॉग एन आ जाएगी। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो चलो इसी प्रॉब्लम को अपन एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारा नोड है उसका जो नेक्स्ट नोड है उसको देखना है। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, लुक एट दी नेक्स्ट एलिमेंट। तो जो ये हमारा नोड है, यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि हर एक नोड की जो यहाँ वैल्यू भी हमने क्या है, वन लिख रखी है। इट मीन्स जो डिस्टेंस वैल्यू ऑलरेडी हमने लिख रखी कि ये इंडिविजुअल स्टैंड अलोन जो नोड है उसकी वैल्यू वन है, और ये लास्ट वाले को हमने जीरो कर रखा है। तो दैट्स वाई अब अपन इसमें आगे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, लुक एट दी नेक्स्ट एलिमेंट। तो हर एक नोड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको देखना है। फिर हमें क्या करना है, ऐड इट्स डी आई वैल्यू टू योर्स, यानी कि इसका जो नेक्स्ट नोड हम देख रहे थे इसकी जो वैल्यू है इसको अपने आप में ऐड कर लेना है। फिर पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट, तो इसको ऐड कर ही लिया है तो अब ये इसका किसी भी नोड का नेक्स्ट एलिमेंट कौन हुआ, ये, और इसका नेक्स्ट क्या हुआ, इसको। तो अगला काम किसके साथ करना है, यही काम इसके साथ करना है। फिर जब ये भी ऐड हो जाएगा तो फिर अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये, इसका नेक्स्ट क्या है, इस तरीके से हम ये प्रोसेस करनी है। खैर इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। लुक एट दी नेक्स्ट एलिमेंट, तो जब हम इस नोड पे हैं तो हमने क्या किया, इसके हर एक के अगले एलिमेंट को हमने देखा और इसकी वैल्यू को इसमें ऐड कर लिया। तो इसकी अगली वैल्यू वन थी इसमें ऐड हो गई टू, इसकी अगली वैल्यू वन थी इसमें ऐड हो गई टू, इसकी अगली वैल्यू वन थी इसमें ऐड हो गई टू, इसकी अगली वैल्यू वन थी इसमें ऐड हो गई टू, इसकी अगली वैल्यू जीरो थी जो कि इसमें ऐड होगी तो ये बचेगा वन और ये जीरो का जीरो बना रहेगा। ये काम हमने पहला काम कर लिया और दूसरा स्टेप कर लिया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स नेक्स्ट एलिमेंट। अब चूंकि वो इसको पॉइंट कर रहा था, अब क्या है ये नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है यानी अब इसको पॉइंट करे, तो ये जो हमारा टू वाला है अब किसको पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट वाले को काम पॉइंट कर रहा है। यही काम देखो, ये वाला जो है
ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसके अगले को, ये जो पॉइंट कर रहा है इसके अगले को कर रहा है, इसके अगले में यहाँ के इस बाद में कोई नोड है ही नहीं तो ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब हमने फिर से एडिशन किया तो ये टू को इस टू से ऐड कर दिया, फोर आ गया, इस टू को इस टू से ऐड कर दिया, फोर आ गया, इस टू को इस वन से ऐड कर दिया तो थ्री आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा टू था ही पहले से, वन था ही पहले से, क्योंकि इस टू को हमने इस जीरो से ऐड किया तो टू ही रहेगा। अब वन के आगे कोई वैल्यू थे ही नहीं तो वन का वन रहा, और इस तरीके से पूरा काम हो गया। अब यही काम फिर से आगे करना है, तो अभी ये किसको पॉइंट कर रहा था, ये पहला नोड इसको, तो अब किसको करेगा, डेफिनेटली इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट को, यानी कि इसको पॉइंट करेगा। तो दैट्स वाई इसमें ये वैल्यू ऐड करी, तो फोर में वन ऐड कर दिया, दैट इज़ फाइव। इस फोर में अभी ये फोर किसको पॉइंट कर रहा था, इस वाले को, तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या हुआ, जीरो। तो दैट्स वाई इसमें फोर में जीरो ऐड किया तो फोर आ गया, और बाकियों की कोई वैल्यू यहाँ पोजीशन बनेगी नहीं, क्योंकि इस ये किसको पॉइंट कर रहा था, इसको, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं है, इसी प्रकार आगे भी कुछ नहीं है। तो सब में एक वैल्यू स्टोर हो गई, इधर फाइव, इधर फोर, इधर थ्री, इधर टू, इधर वन और इधर जीरो। इट मीन्स पहले जो आपका ये पहला नोड था उसकी डिस्टेंस क्या थी लास्ट नोड से, एक दो तीन चार, और ये पाँचवा नोड था। इसी प्रकार से चौथा नोड, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, और ये जीरो नंबर नोड है। तो हमने देखा कि ईच टाइम पे आप देखिए कितने प्रोसेसर एक्टिवेट थे। जब ये पहला ऑपरेशन किया था तब केवल ये एक्टिवेट था, 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 लेकिन उसके बाद में फिर आपने देखा कि बीच में एक एक आपके छूटते जा रहे हैं। हर बार आप देखो कि आपके एक एक प्रोसेसर छूटते जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि टोटल कितने थे ईच टाइम पे हमारे पास में, दो ही, यू नो, हाफ ऑफ द प्रोसेसर एक्टिवेटेड थे। यानी कि जितने आपके नोड थे हर एक के साथ आपने प्रोसेसर ऐड किया था, और हर नोड के ऑपरेशन के दौरान केवल हाफ ऑफ द प्रोसेसर ही आपके एक्टिवेट थे। इस प्रकार जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ लॉग एन हो जाएगी। इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या, कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे। दूसरा, स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है, क्योंकि किसी एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में जो डेटा को या तो रीड करना हो या तो राइट करना हो तो प्रोसेसर को यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम ही लगता है। सिंपल किस लिए है, अगर हमारे पास में एक ही प्रोसेसर होता और मल्टीपल प्रोसेस होती रन होने के लिए, तो हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता था, एक तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और दूसरा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्रोसेसर। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर एक प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल प्रोसेसर है तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना ही नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट, ये बेंचमार्क है सारी प्रोसेसर के लिए। बेंचमार्क क्यों है भाई, क्योंकि अगर कोई भी एल्गोरिथम इस पी रैम मॉडल पे अगर अब डिप्लॉय होने के बाद में इफ़िशियंट सोल्यूशन नहीं देती है, तो ये मान के चलिए वो किसी भी मॉडल पे आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड या फिजिबल या इफ़िशियंट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी। लास्ट है, यूज़फुल है। तो ये जितनी भी आपकी जो एल्गोरिथम जो पैरलाइजेशन पे काम करती हैं उन सारी जगहों पे आप इस पी रैम मॉडल को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके। इस प्रकार ये यूज़फुल भी है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी जो मेमोरी सेल है वो बाउंडेड होती हैं। मेमोरी सेल बाउंडेड होने की वजह से क्या होता है, उनकी साइज़ बाउंडेड होने से क्या होता है कि हो सकता है जो हमारा इनपुट या आउटपुट की डेटा सेट की साइज़ है वो एक्सीड कर रही हो, यानी डेटा को स्टोर करना हो और लोकेशन हमारे पास में सफिशियंट मेमोरी लोकेशन अवेलेबल ना हो, कैपेसिटी इनकी ज़्यादा हो और स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो, तो एक दिक्कत तो ये है। दूसरी है कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, मशीन वर्ड्स होते हैं, वो पी रैम के लिमिटेड होते हैं, तो ये भी एक दूसरा इशू है। नेक्स्ट इशू की अगर बात करें कि जो नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं वो भी बाउंडेड हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसर भी नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको शेयर्ड मेमोरी भी उसी रेशियो में बढ़ानी पड़ेगी। एंड जो लास्ट वन है, एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स है, कि हो सकता है कि चूंकि कंकरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी ऑकर होने की संभावना रहती है। इस प्रकार ये कुछ डिसएडवांटेज हैं पी रैम मॉडल के। इस वीडियो को प्रिपेयर करने में मैंने कुछ ये रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, जो यूज़फुल रेफरेंसेस हैं आप इनको फॉलो कर सकते हो, बाकी डिटेल वे पे ले सकते हैं। तो इस प्रकार अगर मैं कंक्लूड करूँ पैरेलल एल्गोरिथम को, तो दिस इज़ वन ऑफ दी गुड एल्गोरिथम। अगर हमें अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम को कम से कम टाइम पे हमें किसी प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो पैरलाइजेशन क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, उसी रेशियो में फिर हमें प्रोसेसर्स बढ़ाने पड़ते हैं और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर होते हैं तो उनको भी डील करना पड़ता है, जिसके लिए पी रैम मॉडल दिया गया है। उसमें इन सारी सिचुएशन से डील करने के लिए डिफरेंट सब मॉडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो थैंक यू एवरी वन।